जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज की वीडियो में। तो भाई मैं बाहर क्यों बैठा हूँ, रात का टाइम है, इनको चक्कर लगवा रहे, लो आ ले आओ यार इधर द आखिरी चक्कर लगा के ले आओ, तो फिर इन्होंने बंद करो और हम करने के लगे हैं। जैसे थंबनेल और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, हम भाई आईवर्जन का जो है इनको वैक्सीन करने लगे हैं, इंजेक्शन लगाने लगे हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारे जानवर बकरे छतरे मज्जे गायें जो भी हमारे पास हैं लाइफ स्टॉक के, उन सब की हम करने लगे चिचड़ों और जूं की वैक्सीन, जिसे आप आम जुबान में स्किन की वैक्सीन भी कह सकते हैं। तो चले आए जी अंदर चलते हैं, ये एक चक्कर लगवा लें, वो सामने आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने चले गए हैं और वापसी लाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं अंदर और अंदर चल के ले आओ यार ले आओ। हसन दरवाजा खोल बेटा, ये जी आ रहे हैं जानवर और ये आ जाते हैं, ये जी माशाल्लाह चेक करें, ले जाओ ना आप, दौड़ाओ ना मेरे शेरां, चलो अंदर चलो टीका ले आवा, तो लाइए चार यार अंदर चलो, नहीं कुछ कहता पुत्र, चलो 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 ध्यान ना पुत्र डिगी ना, ले जाओ इनू, ये जी इसका दूध अभी पिलाना है, पर उससे पहले इनको ये देख लें, आई वर्जन मेरे हाथ में है और सबको वैक्सीन करते हैं और बनो इन्हों तो वैक्सीन शुरू करिए। यार यहाँ पे एक सवाल जो आने वाला है वो पहले बता दूं भाई, इसमें ना तीन चार किस्म के इंजेक्शन आते हैं, एक ये आई वर्जन है ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, इसके अलावा एवरमेक्टिन आता है, साथ में भूमि में कैले है जो मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर भूमि में कैले यूज़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं भाई, ये मेरा जानवर है जिसको अब लगने लगा है, और आप यहाँ पर सवाल करेंगे हमें ये बताएं कि एनिमल जो भी हमारे पास उनको कैसे देखें जी, ये एक होता है सबकट ठीक है, इसने लगना है सबकट, सबकट किसे कहते हैं, जो भी जानवर की यहाँ से गर्दन के पास से आप चमड़ी इस तरह खींचेंगे और खींच के उसको चमड़ी में लगाएंगे, तो ये खाल में लगेगा ठीक है, तो खाल में लगने वाले कोई भी टीका होगा उसे सबकट कहा जाता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि पहले इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लें, इसका टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो ज़्यादा बेहतर, पर इतना भी ठंडा नीचे फ्रिज में रखना, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना। तो चले आए जी यूज़ करते हैं और सबको लगाते हैं, और इसके ऊपर बकायदा उन्होंने मेंशन भी किया होता है, ये देख सकते हैं आप लोग के 1 ml बकायदा इस पर मेंशन है, 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, और ये अगर आप लोग रीड ईजीली ये देखें जी 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, बट भाई हम इसके मुताबिक कभी भी नहीं चले ज़िंदगी में, वी आर पाकिस्तानी, तो हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं, तो साडा मनना है गोरा साढ़े तो अगे लंघ गया, पर असी गोरे दी कोई नहीं मननी। खैर इसके ऊपर जो लिखा है उसको आप नज़रअंदाज करें, मैं भाई जान जो मेरा जानवर लाइक एक्सपोज आप कर बर है, तो बब्बर मुझे लग रहा है कि यार ये जिंदा ना कोई 1.5 मन के करीब होगा, तो मैं भाई इसको 2 cc लगाऊंगा, जो मेरा एक तरीक़ेकार है ठीक है, 2 cc 3 cc के अराउंड बोर्ड बब्बर को मैं लगा दूंगा। तो कहने का मकसद कि कोई भी वैक्सीन है उसके ऊपर बकायदा मेंशन है, और नहीं तो अपने दिल की तसल्ली से कर लें कि क्या होता है, क्योंकि इस पे जो मेंशन होता है डॉक्टरी लाइन में एग्जैक्ट स्केल के ऊपर रख के जानवर का बॉडी वेट करते हैं फार्मिंग में, तो आपको एक आइडिया होता है कि आप उस आइडिया के हिसाब से लगा सकते हैं, बट हमारे पास कोई स्केल नहीं है, तो हमने फिर कोशिश करनी होती है कि कम ना लगे ज़्यादा लग जाए, क्योंकि ओवरडोज जो होगी उसका कोई नुकसान नहीं है, मगर जितनी डोज इनको चाहिए वो यूज़ हो जाती है, बट इतनी भी ओवरडोज नहीं लगा देनी कि जानवर आपका मन का और आप उसको पकड़ के 10 cc लगा दें, नहीं, अगर आपका जानवर के ये आप मिसाल दे लें 1.5 मन का है तो आप उसे 2 cc लगा दें, बहुत है, उन्होंने 100 पे 2 cc का आप 1.5 पे लगा रहे हैं, तो आई थिंक इनफ के इसमें आपका गुजारा हो जाएगा। चले आएँ जी लगाने का तरीका भी आपको दिखाता हूँ। यार आप लोग कोई भी सरिंज यूज़ कर लीजिएगा, आप छोटी सरिंज भी यूज़ कर लीजिएगा, मेरा तो खैर एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो ये अपनी बड़ी सरिंज यूज़ करता हूँ, मेडिकल सरिंज जिसे कहा जाता है, उतना दूध नहीं जेड़ा तेनू बेचैनी हो रही, दूध भी तेनू पियाने हैं, मगर इसको हम देख लें जी आपके सामने है, इसके ऊपर बड़ा लाइट था उन्होंने लिखा होता है ठीक है, तो फिर उस हिसाब से देख सकते हैं आप, ये ले जी मुझे जितना अपने जानवर का था मैंने उस हिसाब से ये ले लिया, अब मैं लेके इसको लगाने लगूँ, और लगाने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये देखिए बड़ा ही नॉर्मल तरीका है, यहाँ से आपने इस तरह पकड़ना है, ये देखिए ये पकड़ के ये इसकी खाल में चला गया और ये इसको यहाँ पर लगा के ये बाहर निकाल लिया, और इसको अच्छी तरह आपने ये मुक्की से रब कर देना, ये देखिए हालांकि आ जाती है स्ट्राइक वगैरह के, ये हार्मफुल होता है, थोड़ा सा चुभेगा ज़्यादा पेनफुल नहीं है, तो ये सिंपल सा तरीका है जी, देख सकते हैं जी हमने चौधरी बादल से शुरू किया है और अब बब्बर का कर लेते हैं,
बब्बर को भी लगाते हैं और चौधरी बादल का भी हो गया। बब्बर दिखाओ भाई, काफ़ी भाई पूछते हैं कि आप इसे बब्बर क्यों कहते हैं। भाई बब्बर शेर इसका पूरा लफ्ज़ है और इंशाल्लाह ताला बब्बर शेर इसको जो है इसके ओनर ही आके कहेंगे, जब भी कहेंगे हम तब तक इसको बब्बर ही कहेंगे। तो ये देख सकते हैं जी, बब्बर के लिए मैंने 2 cc ही लिया, 2 cc इज इनफ। चले आए जी बब्बर को लगाते हैं। और यहाँ पे अब एक मसला आने वाला है, वो मसला क्या आने वाला है कि ये देखें जी इसकी खाल, यहाँ पे ये बाल हैं, तो आपने क्या कोशिश करनी है, ये एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे तो है, अगर कोई भाई छतरों को लगाना चाह रहा है ऊन है उसमें, उसका तरीके कार क्या है, पहले आपने हाथ से ये देखें ऊन इस तरह कर लेनी है साफ। अब ये यहाँ से ऊन क्लियर होगी, ये देखें जी, ये आपने इसको पकड़ लेना और ये यहाँ पर रख के ऐसे बड़े आराम से ये लेंगे। आपको उसको ऊपर से नहीं लगाना, आप अगर ऊपर से लगाएंगे तो आपके वो लगेगा नहीं, क्योंकि बालों की सिमत जो है वो ऊपर और नीचे को होगी। बेटा चुप, 2 मिनट का चुभना, ज़्यादा नहीं चुभेगा, ठंडा इतना नहीं चुभेगा। रब अच्छी तरह करना है आपने, मेरे चेहरे तले रब अच्छी तरह करना है, और कोशिश करनी है कि किसी भी जानवर को लगाएं तो उसका तरीक़ाकार यही रखिएगा, इस वक्त से ना कि सब कट होता है, बड़े सोच समझ के पकड़ के खींच के आपने ये याद रखना है कि ये देखें ये मेरी फिंगर है, अगर मैं ये फिंगर को पकड़ रहा हूँ ना तो इसकी ये चमड़ी की 2 तह बन रही है, ये जो चमड़ी अब बन रही है इस तरफ से घुसानी है, दूसरी तरफ से बाहर आ जानी, ये काम नहीं कर, हल्का सा साल लगा के चमड़ी के आर पार नहीं करना, चमड़ी के अंदर रखना है। तो सब कट में अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो आर पार करके टीका तो लगा देते हैं, टीका अगली तरफ से निकल जाता है, वो कहते हैं ये रोज़ में चिचड़ नहीं जा रहे, तो भाई चिचड़ क्यों नहीं जा रहे, चिचड़ ना जाने की वजह क्या है कि आप लोग उसको प्रॉपर इंजेक्ट नहीं करते और उसको सही तरह नहीं लगाते, तो कोशिश करें सही करें। अब मैं आपको बड़े जानवर को भी लगा के दिखाता हूँ, आ जाए अब बड़े जानवर को भी आप एक नज़ारा डालें। तो यहाँ पे जी अब मेरी बारी है वो गाय की, तो ये ले जी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये रहा 10 cc, ये ले जी ये मैंने 10 cc ले लिया जी, ठीक है मेरी दूध वाली गाय है, अब मैं उसको लगाने लगा हूँ, उसको बड़ा तरीके से लगाना है क्योंकि मेरी लुंडी जो है इसको अगर पता लग गया ना, चल लुंडी इधर इधर आ गया से इस पास, ये देख सकते हैं जी आप, यहाँ पे भी हमारा वही तरीक़ेकार है, ये देखें इसको यूँ पकड़ना है, ये यहाँ से पकड़ के ये ले, बस सिंगों से बचना आपने, थोड़ा चुभेगा पुत्र, बस 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 कट, इसको भी ये देख लीजिए, ये ले जी ये भी देख लें, आपके सामने बड़े जानवर को भी लगा दिया है, छोटों को भी लगा दिया है, और आपको आइडिया तो हो गया होगा कि छोटे बड़े जानवरों को लगाने का तरीके कार क्या है। यही चीज़ जो है वो बकरों पे भी अप्लाई होगी, बकरों पे भी आप लगा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, ज़रा सबर सुकून कर लीजिएगा। तो चलें बकरों को भी लगाने का तरीका आपको दिखाते थे, क्योंकि अगली वीडियो में ये कमेंट ना आ जाए भजन बकरों को तो आपने लगाया नहीं, हम लोग तो बकरों के शौक करते हैं, तो आए जी आपको बकरों को भी तरीका भी बता देते हैं। ये जी हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आते ही डब्बा जी सबसे पहले उठ गए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी डब्बे से कि डब्बा इतनी जल्दी उठ जाएगा, तो खैर है डब्बू मियाँ, तो डब्बू मियाँ को भी लगाते हैं जी, देखते हैं डब्बू मियाँ क्या कहते हैं। चलें जी उठ जाओ सारे, ज़रा फ्रेश हो जाओ, आ जाओ सारे आ जाओ, चलो जी तुसी भी इधर आ जाओ, चलो ले जी। ये जी आ गए हमारा सारा माल इस तरफ, तो चलें जी इनको लगाते हैं 1 by 1, और इनमें से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेंथी नहीं करेंगे। ऐप यही लिहाज दो चीज़ा अंदर ले आया, सब तो पहले जेड़ा लिहाज डब्बू नू फाड़, फिर चीने नू, फिर गुलाबी नू, तो 1 by 1 करके इन्होंने लाई जा, कुंडी ला ला बाहर ना जान। तो लें जी डब्बू भाई आपसे हम शुरुआत करेंगे, चल भाई डब्बे आ जा, ओ जी इन फाड़ इन पक्के हथा ना छड़ दे, इनू रख दे मैं फाड़ लेना, तू ये डब्बा फाड़ आके, मैं ये जी इंजेक्शन भर लूँ एक मिनट तरह जी। भाई ये देख सकते हैं 2 cc, ठीक है, और ये रहा डब्बा, और लियास वीडियो बनाएगा, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि वीडियो गलत बनी है, सही जो भी बने गुजारा कर लीजिएगा। सेम वही तरीका है, हल्का सा इधर आके इंजेक्ट किया करके, ये दूसरी तरफ चेक किया बाहर तो नहीं है, नहीं है, थोड़ी सी नीडल बैक देन इधर, और इसको छोड़ दे कान छोड़, ये अच्छी तरह रब कर दे। हाँ 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 मेरे मेरे लिए नहीं, थोड़ा झुकेगा उधर रहा,
आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये कोई भी जानवर होगा, बड़ा है छोटा कोई भी है, वो देखें ठुड्डे मारे के अच्छी तरह रब कर देना, फड़ के करी उत्थो मल दे यार। और ये थोड़ा सा शोर मचाएगा, उस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि यार ये क्या हो गया क्या नहीं, तो बाकी ये चीज़ों से आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लें जी, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। हम लोग तब तक बाकी सबको भी लगा लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा क्या इसी तरह की जो हम छोटे मोटे ट्रीटमेंट करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, मैं और इलियास, तो क्या आप लोग वो देखना चाहते हैं, कभी मरातब अली, कभी इलियास, तो कभी हमारा नाना, जो आता है किस वक्त जिसकी जिसके जहाँ पे लिखा होता है, हमारा जो पार्टनर होता है एट अ टाइम, तो आप लोग कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह ताला जो उसके कमेंट में ज़्यादातर ज़्यादा अक्सरियत का कमेंट होगा, तो इंशाल्लाह मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके दुआओं में याद रखिएगा।